हाय दोस्तों, मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई नई वेब सीरीज द पॉलिटिशियन के बारे में। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी मिल जाएगी। इसमें तकरीबन 8 एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग 1 घंटा कुछ 56 मिनट्स के है, कुछ 47 मिनट्स की है। हम नजर आते हैं बैन प्लेट, जियो डच, लूसी बेंटन, ग्योनेट पेट्रोल, और इसे क्रिएट किया है रायन मर्फी ने। तो जब इस वेब सीरीज में रायन मर्फी का नाम आया तो यार लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई, क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्री में रायन मर्फी बहुत बड़ा नाम है। वो एक स्क्रीन राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, क्रिएटर है, और उनके नाम काफी बड़ी बड़ी टेलीविजन सीरीज है, और उनके जो फैंस है बहुत ज्यादा है। तो क्या वो जितने भी उनके फैंस है उन लोगों की जो उम्मीदें इस वेब सीरीज से क्या वो पूरी हुई, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है बैन प्लेट से, जो कि इसमें रोल प्ले करे पाइथन का। वो जब 7 साल के होते तभी से उनको पता होता है कि उनको बड़ा होकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। तो इसीलिए वो बचपन से इस प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करते हैं, यानी कि जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट होते उनके बारे में लिखी हुई किताब को वो पढ़ते हैं। वो उसी तरीके से रहते हैं जैसा एक प्रेसिडेंट को रहना चाहिए बचपन से ही। लेकिन अब वो हाई स्कूल में आ गए, और जब हाई स्कूल में आते हैं तो सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यानी कि स्कूल का प्रेसिडेंट बनने का। तो वो अपना नाम सामने देते हैं और उनको किसी भी हालत में प्रेसिडेंट बनना ही बनना है। तो क्या वो प्रेसिडेंट बनते हैं सेबेस्टियन हाई स्कूल का, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो यार ये वेब सीरीज की बात करो तो ये वेब सीरीज की अच्छी बात बोलूं तो ये वेब सीरीज में जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। स्पेशली मैं बोलूंगा बैन प्लेट ने जो है पाइथन का रोल प्ले किया, जबरदस्त एक्टिंग है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे स्टार्ट से एंड तक काम किया ना यार कमाल है। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है सभी लोगों ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से, तो परफॉर्मेंस वाइज ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है। राइटिंग वाइज हाँ अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पर जो दूसरी सब प्लॉट जो इसके जो मेन प्लॉट के अलावा जो इन्फिनिटी का एक प्लॉट है प्लस उसकी जो फैमिली यानी पाइथन की फैमिली का एक प्लॉट है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन इतना भी ज्यादा इरिटेट नहीं लगता, हाँ थोड़ा बहुत इरिटेट होता है। उसके अलावा ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंसी के बारे में स्कूल की जो प्रेसिडेंसी का इलेक्शन है उसको इन मेकर्स ने कुछ ज्यादा ही सीरियस कर दिया हो ऐसा लगता है, महसूस होता है। और कहीं ना कहीं आप लोग इसकी कहानी को प्रिडिक्ट कर ले तो, लेकिन फिर भी एक कॉमेडी डार्क ह्यूमर कॉमेडी के हिसाब से ये ठीक है। हाँ कहीं कहीं पे आपको होमोसेक्सुअलिटी के सीन्स देखने मिलते, जैसे कि पाइथन और रिवर के बीच में होमोसेक्सुअलिटी देखने मिलती है। तो यार ये बच्चों लोग के लिए वेब सीरीज नहीं, ये बड़े लोग के लिए वेब सीरीज है, और अमेरिकन वेब सीरीज है तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए तो मुश्किल है। और इसमें कॉमेडी सीन्स की बात करो तो कॉमिक सीन अच्छे है, ठीक ठाक है, ज्यादा फनी भी नहीं कि आप पेट पकड़ पड़ के हंसने लोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। और एक सर्टेन मोमेंट पे ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये वेब सीरीज में जो 7वां एपिसोड आता है तो मुझे लगता है यार इसमें ओवर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 8वें एपिसोड में बेसिकली उन्होंने सीजन 2 में हमें क्या बताने वाले उसकी तैयारी करते हुए हमें 8वें एपिसोड में वो नजर आते। तो 8वें एपिसोड का बाकी के 7 एपिसोड से कोई ज्यादा लिंक है ही नहीं। बेसिकली 8वां एपिसोड सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उनको सीजन 2 बनाना है, और सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा उसकी एक झलक हमें 8वें एपिसोड में देखने मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट शो है। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया तो ये शो देखो, और अगर आप रायन मर्फी के फैन हो या बैन प्लेट के फैन हो तो यार ये शो जरूर देखना। ये शो आपको अच्छा ही लगे, खराब तो नहीं लगे, क्योंकि मुझे पर्सनली ये ठीक लगा। मैं सिर्फ अगर इरिटेट हो रहा था, मुझे 3rd-4th एपिसोड में मैं थोड़ा सा इरिटेट हुआ था, लेकिन उसके अलावा मुझे ये सीजन 1 ठीक ही लगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। तो यार ये वेब सीरीज देखना तो आप जरूर देखें, क्योंकि जो पॉलिटिशियन यानी जो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक लड़के को क्या कुछ करना पड़ता है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। एक तरीके से पॉलिटिशियन के ऊपर एक सटायर मैं बोलूंगा इस वेब सीरीज को। तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए वो लड़का किस तरीके से अपने आप को तैयार करता है ये सब कुछ जानने के लिए आप ये वेब सीरीज जरूर देखना। तो ये वेब सीरीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो यार इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन।